हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट्स बन जाएं। सो गाइस, आज जिस गाड़ी को मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये है फाक की जानब से आने वाला V2 मॉडल, और बड़े ही प्यारा मॉडल है। 1300cc के अंदर है और सबसे चीपेस्ट मॉडल है 1300cc में पाकिस्तान में। तो गाइस, आज इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या स्पेक्स मिलते हैं और ये क्या वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका मॉडल नंबर क्या है। CA7137E4R जो है इसका मॉडल नंबर है। और अगर इसके इंजन के हवाले से बात करें, 4 सिलेंडर इन लाइन इसका इंजन है, वाटर कूल इंजन है, 4 स्ट्रोक के साथ आता है, 16 वैल्यूज मिल जाती हैं, DOHC की टेक्नोलॉजी फॉलोअप करते हैं और VCTI का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मल्टी पॉइंट है। फ्यूल इंजेक्शन इंजन हमें यहाँ पर दिया गया है और ये 1300cc इंजन है जो कि 1298 की डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर इसकी हॉर्स पावर की बात करूँ तो ये यहाँ पर 6000 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर जो टॉर्क है इसकी वो 4400 की टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। इसका सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है और आपको पाकिस्तानी रोड्स के हवाले से किसी किस्म का इसके सस्पेंशन में इशू नहीं आने वाला। गाइस, अब मूव करते हैं यहाँ पर इसके इनर साइड के ऊपर और आपको इनर साइड से बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। गाइस, इंटीरियर की बात करो तो इंटीरियर में हमें जो यहाँ पर LED है वो तो इंस्टॉल नहीं मिलेगी, वो आप करवाना चाहें तो खुद से करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो AC की परफॉर्मेंस है भाई, वो बहुत आउट क्लास मिलने वाली है आपको, और सिर्फ गर्मियों के अंदर भी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप जस्ट उसके 2 पॉइंट्स पे भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। उसके साथ साथ गाइज, यहाँ पर हमें जो है ना वो इसका मीटर वगैरह काफ़ी अच्छा सा डिसेंट सा बनाया गया है और यहाँ पर इस गाड़ी में हमें पावर स्टेयरिंग भी मिल जाता है, पावर विंडोज़ भी मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, और उसके बाद पावर साइड मिरर मिलते हैं एंड अलॉय रिम्स भी अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी कोई भी स्पेस वगैरह रख सकते हैं। उसके ऊपर हमें जो है स्पीकर्स मिल जाते हैं और उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें एयरबैग्स दिए गए हैं, तो फ्रंट पर हमें 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो फ्रंट पर आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया और सेफ्टी इश्यूज़ भी नहीं आते। यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म भी आपके पास अवेलेबल है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अगर आपकी गाड़ी को चोरी करने की कोशिश करता है और वो 2 से 3 दफ़ा अगर चाबी लगाएगा तो उसके बाद वो बिल्कुल सिक्योरिटी इशू आ जाएगा और वो गाड़ी उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगी और वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक बात और बता दूँ कि ये मैनुअल गाड़ी है फुली, तो ऑटोमेटिक नहीं है, तो ये भी इशू थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटिंग ज़रूर लगेगा। अगर मैं इसकी बैक स्पेस की बात करूँ, बैक स्पेस काफ़ी अच्छी है, हेड स्पेस भी काफ़ी ठीक ठाक है, मैंने बैठ कर देखा है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगी बैक के हवाले से भी, बैक स्पेस के हवाले से भी। तो अगर आप 4 to 5% सफ़र करते हैं तो काफ़ी इनफ रहने वाला है। इसमें हमें ABS प्लस EBD मिल जाता है और बैक साइड से भी आप इसकी लुक देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी लुक है जो आपको काफ़ी डिसेंट सी लुक प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर मैं जो आपको इसकी बैक की स्पेस दिखा देता हूँ, यानी कि आपका जो लग्जरी वगैरह जो भी सामान वगैरह उसकी आपको स्पेस कितनी मिल जाती है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बैग्स ईजीली आप रख सकते हैं, आपको किसी किस्म का इशू नहीं आने वाला, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें स्पेस इस गाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद साइड से लुक की बात करूं तो लुक वाइज काफ़ी डिसेंट सी है और एक चीज़ यह है कि इसके जो साइड डोर्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड जो है ना वो मेटल के बने हुए हैं और यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंटल भी होते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। ये भी कंपनी का कहना है कि बॉडी आपकी काफ़ी हद तक सेफ़ रहेगी, अगर ये आपको मेजर खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उसमें ज़्यादा आपको इश्यूज़ नहीं आने वाले। तो यहाँ पर जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, एक तो ये हमें 1300cc मिल जाती है गाड़ी और 4 सिलेंडर्स के साथ आती है, जिसमें हमें यहाँ पर ABS ब्रेक्स भी है, EBD भी इंस्टॉल है इसके अंदर और की इंट्री है विद इमोबिलाइज़र भी इसमें इंस्टॉल किया गया है और यहाँ पर हमें फ्रंट पे 2 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग मिल जाता है, पावर लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है ओवरऑल, और उसके साथ साथ अलॉय रिम्स भी इस गाड़ी में हमें मिल जाते हैं। अब बात आ जाती है कि इस गाड़ी में हमें एवरेज कितनी मिलती है, क्योंकि एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी लोग कहते हैं एवरेज भी ज़रा गाड़ी में अच्छी मिलनी चाहिए। तो जब शोरूम्स अकॉर्डिंग टू शोरूम्स या अकॉर्डिंग टू आप कंपनी कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि इस गाड़ी की जो एवरेज है वो राउंड अबाउट 15 to 17 रहती है विद इन अ सिटी के अंदर, और अगर आप लॉन्ग रोड पे सफ़र करते हैं तो आप उससे 17 to 20 के लगभग जो है वो आपको एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी और डिसेंट एवरेज है 1300cc गाड़ी के अंदर, आपको इतनी एवरेज मिलना मोर देन इनफ है। तो गाइस, यहाँ पर ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात करूँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेक्स निकल कर आते हैं और प्राइस की अब बात कर लेते हैं कि इस प्राइस
प्राइस क्या है। तो लुक तो आपने देख ली, इसके फीचर्स तो आपको मैंने बता दिए, तो अब मेन चीज़ आ जाती है कि भाई प्राइस, क्योंकि प्राइस पे कोई भी बंदा कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और प्राइस ही एक मेन फैक्टर है जो आपके परचेजिंग हैबिट्स को चेंज कर देता है। तो गाइज़ इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो इसकी कीमत है वो है गाइज़ यहाँ पर 16,09,000 रुपीज़ जो है वो आपको जो है ना फैक्ट्री प्राइस मिलती है, और उसके साथ जो आपका टैक्स है वो ऐड हो जाता है। अगर आप फाइलर हैं तो 25,000 पे करना होगा, और अगर नॉन फाइलर है तो 50,000 पे करना होगा, और फ्रेट चार्ज भी आपको लगता है। तो टोटल अगर मैं इसकी बात करूँ तो 16,54,000 रुपये की चीपस्ट 1300 गाड़ी आपको मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 16,79,000 की आपको पाकिस्तान में मिलती है। तो ये दो प्राइसेस हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ही चीप प्राइसेस हैं, क्योंकि अगर आप इसमें इस प्राइस के अंदर दूसरी गाड़ी देखें तो आपको 1000 सीसी मिलती हैं, लाइक सुजुकी की अगर आप ले लें, सुजुकी की वैगन आर ले लें, या फिर सुजुकी की आप कल्टस ले लें, तो आपको वो 1000 सीसी में मिलती हैं, जबकि ये 1300 सीसी के अंदर आपको पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको बहुत ही कम प्राइस लाइक 16.5 लाख रुपए में आपको ये अवेलेबल हो जाती है। तो गाइज़ आपका इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है, और अगर आप इसको पर्सनली विज़िट करना चाहते हैं तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं, देन आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में तो ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आप क्या कहेंगे इस गाड़ी के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर आपने ये गाड़ी यूज़ किया इससे पहले तो तब भी बताइएगा। उम्मीद है गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।